हेलो फ्रेंड, ट्रांजेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लिख रहा हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बागी के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बागी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 11वां दिन है। तो भैया, इस फिल्म ने अपने सेकेंड वीकेंड पे जो कलेक्शन किया है वो कलेक्शन सामने आ चुके हैं और कलेक्शन बहुत ही दयनीय है। बहुत यानी कि कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म का बिजनेस पूरी तरीके से डूब चुका है। यानी कि इस फिल्म ने जो कलेक्शन पहले वीक में कर लिया है उसके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि भैया कि अभी भी सुधरी हुई हालत में नजर आ रहे हैं बागी 3 यानी कि टाइगर। तो भैया, इस फिल्म ने अपने सेकंड वीकेंड के फ्राइडे को जो कलेक्शन किया है वो है 2,15,00,000 रुपए। उसके बाद सैटरडे को इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है तो वो है 1,80,00,000 रुपए। और उसके बाद अंत में यानी कि संडे को यानी कि कल इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो है 1,85,00,000 रुपए। यानी कि कुल मिलाकर इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया है वो है 96.49 करोड़। यानी कि 96,49,00,000 रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर कर लिया। यानी कि 4 करोड़ जैसे यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमा लेगी, यह फिल्म सेंचुरी लगाने वाली इस साल की दूसरी फिल्म हो जाएगी। लेकिन यह सेंचुरी कब तक होगी उस पर अब सवालिया निशान उठने लगे हैं। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया अब तक बताया जा रहा है कि बागी 3 को लगभग 25 से 30 करोड़ का नुकसान हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से। तो आपको क्या लगता है यह फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा कब तक बॉक्स ऑफिस पर पूरा कर पाएगी? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।